Assalam Alaikum, this is Arslan from Masterintech और आज की वीडियो में हम Vivo V20 के बारे में बात करेंगे। तो भी हर मोबाइल फोन ब्रांड की एक सिग्नेचर सीरीज होती है, जैसे कि सैमसंग की S सीरीज है, इसी तरह Xiaomi की Mi सीरीज है और Vivo की V सीरीज है। और Vivo V सीरीज में Vivo ने एक नया मोबाइल फोन लॉन्च किया है Vivo V20, और इस मोबाइल फोन के बारे में आज हम बात करेंगे कि मोबाइल फोन कैसा है, इस मोबाइल फोन की प्राइस क्या है, स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भी वीवो की जो वी सीरीज है उसमें जो नया मोबाइल फोन आया है वीवो V20, ये एक ऐसा मोबाइल फोन है जो वीवो की तरफ से टॉप एंड स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया गया है। और वीवो हमेशा अपने मोबाइल फोन में डिजाइन पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है, बहुत ज्यादा काम करता है कैमरास पर और डिस्प्ले पर। और वीवो की जो हाईलाइट होती हैं वो यही तीन चीजें होती हैं, जिसमें डिस्प्ले होता है, कैमरास होते हैं और डिजाइन होता है। और इस मोबाइल फोन का जो बैक डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिजाइन इस बार रखा गया है वीवो की तरफ से। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और बैक पर आपको तीन डिफरेंट कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और बैक का जो डिजाइन है और जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आपको लुक प्रोवाइड करता है वीवो V20। अगर बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की, तो भी वीवो के जो मोबाइल फोन है उनके डिस्प्ले भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पर भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 6.44 इंचेस डिस्प्ले साइज है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, 403 की PPI डेंसिटी है और फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच बिल्कुल सेंटर में आपको छोटी सी नॉच देखने को मिल जाती है। फ्रंट डिस्प्ले में आपको HDR10 और DCP-A3 की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आपको फ्रंट डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। तो भी बात यह है कि जो डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी है और जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। बैक पर आपको वैसे प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम है। अगर बात करें स्मार्ट फोन में कैमरास की, तो भी स्मार्ट फोन के कैमरास भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं। इसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कैमरा है। और इसमें आपको जो कैमरा का सेंसर साइज है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है नॉर्मल मोबाइल फोन के कैमरा साइज से। तो भी इस मोबाइल फोन में जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है और इस कैमरे की जो लेंस है उसका साइज भी आपको काफी बड़ा देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मली हम जो भी मोबाइल फोन देखते हैं उनमें जो कैमराज होते हैं उनकी जो लेंस होते हैं उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर बड़ा लेंस है, इसका मतलब कि आपको जो पिक्चर्स और वीडियो की क्वालिटी देखने को मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का टैप सेंसर है। और यहाँ पर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट की बात करें तो 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके साथ आपको स्लो मोशन की सपोर्ट देखने को मिलती है, जो कि 960 फ्रेम्स पर होगी। इसके साथ आपको 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है 30 फ्रेम्स और 60 फ्रेम्स पर। और वीवो V20 के जो कैमराज हैं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं। इसमें आपको EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी और इसमें जो आपको कैमरा की क्वालिटी है वीडियो में और पिक्चर्स में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे इसके बैक कैमरा में। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पर आपको 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा और फ्रंट पर भी आपको EIS की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट की बात करें तो आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई Vivo V20 में फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाले हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं। अगर बात करें स्मार्ट फोन में प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी स्मार्ट फोन में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन यही प्रोसेसर हमें 40,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वीवो का मोबाइल फोन है और इसमें आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही हैं, तो प्रोसेसर पर थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज किया जा सकता है। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon का 720G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, Octa-Core प्रोसेसर है और एंड्रीनो का GPU देखने को मिल जाता है और गेमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रोसेसर है। अगर बात करें स्मार्ट फोन में बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। इसी तरह अगर बात करें स्मार्ट फोन में कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको Type-C कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाता है। अगर बायोमेट्रिक्स की बात करें, तो इस मोबाइल फोन में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले को लगाया गया है, तो आपको In-Dispaly फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है,
और जो फ्रंट कैमरा है उसे फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। अगर बात करें मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये आपको पहला मोबाइल फोन देखने को मिलेगा जो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर होगा और फन टच ओएस 11 देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड होगा फन टच ओएस 10 से और काफी अच्छे फीचर्स आपको नए फीचर्स इस मोबाइल फोन में देखने को मिल जाएंगे और एंड्रॉइड 11 भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाएगा। रैम और रोम की बात करें तो इसमें 8GB की रैम है और 128GB की बिल्ट इन मेमोरी है और इसी साथ आप मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256GB तक। इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, उसके लिए आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाएगी। तो भी Vivo V20 ओवरऑल एक बहुत ही डिसेंट मोबाइल फोन है, बहुत ही अच्छा मोबाइल फोन है, लेकिन Vivo के जो मोबाइल फोन है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि Vivo डिजाइन पर बहुत ज्यादा काम करता है, डिस्प्ले पर और जो कैमराज इन पर बहुत ज्यादा काम करता है। तो भी Vivo का ये मोबाइल फोन आपको 60,000 रुपए की प्राइस रेंज में, इसकी ऑफिशियल प्राइस 60,000 रुपए है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आपको 4,000 से 5,000 तक इजीली डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और आफ्टर डिस्काउंट आपको ये मोबाइल फोन 54,000 से 55,000 रुपए की प्राइस रेंज में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो भी इस मोबाइल फोन के बारे में आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज अरसलान फ्रॉम मास्टर इंटेक। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।